ज्यादा सर्दी और ज्यादा बारिश हो रही है। गांव वाले देखो छत खुल रहा है। हमारे टायर का हाल बेचारा फुस हो गया। चले प्यार बढ़ेगा आज और भी बढ़ेगा जब भीग जाओगे ना गीली हो जाओगे। बहुत प्यारे हैं चेक करो। तो ये ले लेते हैं 350 के है ना, ले लेते हैं चार पांच उधर भी रखना है स्टोरेज में भी अभी। मैं एक चीज पे कंफ्यूज हूँ कितना प्यारा लगता है सब ये। अभी सब चले जाएंगे सर्दी ख्याल करंट ना लगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? तो ठंड बहुत ज़्यादा है, बारिश हो रही है और हम लोग जा रहे हैं बाहर। एक्चुअली गाड़ी जो है ना उसका टायर बिल्कुल पंचर है, आपको दिखाती हूँ। दो तीन दिन से पंचर है और जो हमारे पास थी ना वो जो एयर प्रेशर मशीन होती है जिससे हवा फिल करते हैं तो वो पता नहीं काम ही नहीं करी क्या है। वो हमने आज़दा से ली थी तो अभी हम जा रहे हैं एक अच्छी मशीन लेने के लिए। और मैंने अभी जो है ना ये कैप पहन लिया क्योंकि शदीद ठंड शुरू हो गई है। नवंबर अभी स्टार्ट हुआ है और ठंड भी काफ़ी हो गई है और उसके अलावा बारिश भी हो रही है सुबह से। अभी मेरे ख्याल में थोड़ी कम है एक घंटा तो अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं और इसको हम इस तरह से कर लेंगे। आ जाए अब देर हो रही है, ठंड है। मैं बाहर निकली और फिर मैंने कहा कि उस्मान कैप दे दे, बहुत ठंड है, सर में सीधी जाके लगती है। चलें जी निकले, ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा बारिश हो रही है। हमारे टायर का हाल बेचारा फुस हो गया। चले आ जाए, छाता खुल रहा है, गांव वाले देखो छाता खुल रहा है। तो बारिश जो है ना वो तेज हो गई है और हम भी तेज। उस्मान ने पकड़ा हुआ छाता, छाता पकड़ के हम लोग जा रहे हैं। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, अभी बड़ी ठंड है और बारिश तेज हो रही है। इतना मुझे लगता है हम शुरू में शायद चलते थे ना, आजकल जितना हमने चलना स्टार्ट कर दिया। हाँ बहुत तेज हो गई है बारिश, तेज हो रही है, मैं कहीं शेल्टर लेना पड़ेगा। भाई बारिश हो रही है बड़ी शदीद वाली तेज। अपनी छतरी तो उठाई नहीं है, पिंक वाली होती उठा लेती। प्यार बढ़ेगा आज और भी बढ़ेगा जब भीग जाओगे ना गीली हो जाओगे। क्लोज आओ क्लोज आओ, मनु ख्याल करंट ना लगे। उधर देखो वहाँ क्रॉस करना, इधर ग्रीन होगा बताएगा बीप कर, तो उधर करो पानी आगे चलो, ये तो बहुत पानी है। बारिश बहुत तेज हो रही थी लेकिन हमारा जाना भी काफी जरूरी था क्योंकि गाड़ी के बगैर हम बहुत ज्यादा तंग हो रहे थे। यहाँ पे मोस्टली बारिश तो होती है लेकिन जब से नवंबर स्टार्ट हुआ है ना सर्दी भी बहुत ज्यादा हो गई है तो इसलिए गाड़ी के बगैर गुजारा जो है बहुत मुश्किल होता है। कितना प्यारा लगता है ना सब ये। अभी सब चले जाएंगे सर्दी में। ओए होए 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 ओए होए होए, डर गई मैं तो। हम लोग पहुंच गए यहाँ पे और मैंने उस्मान को कहा कि आप जो है ना वो अपनी चीज़ ले लेना और मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, बहुत सारी चीज़ें मुझे चाहिए थी। तो हर चीज़ ना डिफरेंट जगहों पे मिलती है तो मैंने कहा मैं वो चीज़ें देख लेती हूँ, आप अपनी ले लें तो जल्दी से कर लेंगे। केचप हमारे घर में ख़त्म है, उस्मान के लिए ले लेती हूँ। ठीक है ये मैं ले लेती हूँ। ये एक उठा लो उस्मान, 149 पे देखो ना एक मिनट। तो ये ले लेते हैं 350 के है ना, ले लेते हैं चार उस्मान उधर भी रखना है स्टोरेज में भी, अभी तो बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। मतलब इतना सामान उठा ले हम। यार हम लोग पहले आते थे ना उस्मान इनके पास, आपको याद है बड़ी प्यारी चीज़ें मिलती थी। इट्स ब्यूटीफुल बट टूटे हुए हैं, टूटे हुए लेकिन बहुत प्यारे हैं चेक करो। बारिश के टूटा हुआ ना होता मैं ले लेती, तीनों टूटे हुए बहुत खूबसूरत है। ये मैंने लास्ट ईयर भी देखे थे मुझे बहुत अच्छे लगे थे, फिर इस बार
आए हुए हैं। चले जी एक देखते हैं, राउंड लेते हैं बर्तनों के सेक्शन का, फिर दूध वगैरह और वो चीज़ें लेनी है। उस्मान ये आपकी चीज़ें लगी हुई हैं इसमें, देख रहे हैं कुछ अच्छी लगी हुई हैं भाई। क्रिसमस की यहाँ पे तो बहारें ही बहारें, गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स। दिल चाहता है ये भी ले लो वो भी ले लो, बट लेना मैंने कुछ नहीं है अभी। मैं बर्तनों के सेक्शन में जा रही हूँ, मेरा फेवरेट ये वाले ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा दिल चाह रहा है मैं इस तरह बहुत सारे ले लूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में हर चीज़ ना वो घिमी घिमी नमी वाली हो जाती है, तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो लूँगी इंशाल्लाह, ये सारे लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। और ये भी बड़े अच्छे लग रहे हैं सारे, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है आके, बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। इतनी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं ना अभी आजकल के दिनों में, छोड़ने को दिल ही नहीं चाह रहा। ये बहुत अच्छा है सैलेड वगैरह के लिए, और ये भी अच्छा है। दोनों अच्छे लग रहे हैं ऐसे मुझे। कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं आप ले लेते हैं, कुछ आपको अच्छी लग रही होती हैं, कुछ आपको जो है ना वो अच्छी मिल जाती हैं, तो आप इस तरह से ले लेते हैं। तो मैंने भी इसलिए कुछ चीज़ें ले ली और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मैं सैलेड वगैरह ज़्यादा बनाती हूँ, तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं ये छोड़ूँ। हालाँकि मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ थी क्योंकि बर्तन वगैरह भी ज़रा मैं कम ले रही हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं ले लेना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छे हुए मैं 5 से 250 में। ग्रेट, तो मैंने कुछ चीज़ें जो है ना वो ले ली हैं, और मैं एक चीज़ पे कंफ्यूज हूँ, वो है ये कि मुझे चाहिए सैलेड के लिए या ब्रेकफास्ट या कुछ ऐसे ना वेजिटेबल्स वगैरह के लिए। तो ये मुझे वैसे तो अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे, तो लेट्स सी। बाकी बस हो गया, दूध लेना है, ब्रेड, अंडे, कुछ इस तरह की चीज़ें। चीनी नहीं मिली, यहाँ से नहीं मिले, तो वो हम आइसलैंड जाते हैं। बस ये सामान हो गया अभी, क्योंकि हमने बस पे जाना है, तो देखते हैं। और उस्मान ने ये भी ले लिया मशीन, और ये भी मैंने लिया है, ये मुझे वैसे ही अच्छा मिल गया, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। तो ये हैं जो चीज़ें, आ जाएं आप आइसलैंड। होप्सो नहीं, पाकिस्तानी नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं जी, सामान ले लिया बैग से लदे फदे जा रहे हैं, बस पकड़ते हैं और अब घर जाते हैं और गाड़ी का कुछ करते हैं। बस से उतर गए और अब जा रहे हैं घर की तरफ। उस्मान सीधा रोड लेंगे। उस्मान हो रही है, हो रही है हवा कैसे? नहीं पहले से अच्छी है, गुजारा कर रही है। हम घर जैसे ही आए तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बारिश में बिल्कुल ही हम भीग गए थे, बिल्कुल गीले हो गए थे। हालांकि जैकेट्स वगैरह इस तरह से होती हैं कि पानी आपकी बॉडी तक नहीं आता, लेकिन फिर भी ठंड की वजह से जो है ना वो बुरा हाल हो गया था। तो घर आके फिर मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई और एग्स बॉयल किए। एग्स ख़त्म थे, अंडे ख़त्म थे, चीनी इस तरह की चीज़ें लेनी थी, कुछ मुझे किचन के लिए एक दो क्लीनर लेने थे और घर के लिए भी इस तरह की ना छोटी छोटी चीज़ें मुझे लेनी थी, चाहिए थी। तो यहाँ से बड़ी अच्छी मिलती हैं, B&M गए थे हम लोग, तो वहाँ से हमने ले ली। उसके बाद घर आए तो फिर उबले हुए अंडे हम दोनों ने खाए और उसके साथ फिर गर्मा गर्म चाय बनाई थी मैंने। और अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये, अथेंटिक चिकन कढ़ाई की रेसिपी तो नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है और बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज एक ले लिया, पतले पतले स्लाइस कर लिए, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया जो कि मैं घर में ही बना के फ्रीज़ करके रखती हूँ, और उसके बाद मैंने चिकन यहाँ पे डाल के इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छा, इसकी एक तो ख़ास बात यह है कि बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है, दूसरा ये है कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो मैं अक्सर इस तरह से बनाती हूँ तो बड़े मज़े की बन जाती है। तो मैंने कहा चलो मैं ये बनने के लिए रख देती हूँ, साथ साथ बर्तन वॉश कर लेती हूँ। और क्लीनर मैं लेकर आई थी, अभी आपको दिखाती हूँ, तो वो भी मैंने अभी सारा साफ़ करना था। अच्छा, इसमें मैंने टमाटर डाल दिए, नमक, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल के, और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। ये चिकन बेबी चिकन है, वैसे भी चिकन काफ़ी जल्दी बन जाता है, इतना टाइम नहीं लेता,
तो ढक के मैंने रख दिया था कि जब तक ये पकेगा, सॉफ्ट होगा, 10-15 मिनट लगेंगे, तो इतनी देर में मैं सारे काम कर लेती हूँ। बर्तन वॉश कर लिए मैंने सारे और उसके बाद ये मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा है। और मेरा जो ये आप देख सकते हैं, ये वॉशिंग का यहाँ पे आपको एरिया नज़र आ रहा है जहाँ मैं बर्तन वॉश करती हूँ, तो ये इसी से ही साफ़ होता है। अदरवाइज़ ये मैं कब से ढूंढ रही थी, जहाँ भी जा रही थी पता नहीं क्या वजह थी, मुझे नहीं मिल रहा था। और पहले इसकी मैं छोटी बॉटल लेकर आती थी, इस बार ये बड़ी है, आई थिंक 2-2.5 pounds की इस तरह से मिलती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इसी तरह से 2-3 pounds में है। तो ये बड़ी वाली है, तो मैंने कहा चलो अब जो मिल रही है ले लेती हूँ। और इसको मैं स्प्रे कर देती हूँ, थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं इसको साफ़ करती हूँ, तो उससे ये होता है कि बहुत ही साफ़ हो जाता है और इसका कलर जो है ना वो चमक के निकल आता है। अभी मैंने एक ही बार जल्दी जल्दी किया, आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया, और एक दो बार करूँगी तो फिर बिल्कुल ही चमक जाएगा। लेकिन यह है कि इसके बगैर मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, स्पेशली यहाँ पर तो मैं ये मस्ट यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, तो वो सारे काम हो गए, सारी क्लीनिंग और जो भी काम थे, चीज़ें समेटनी थी, वो सब हो गए थे और खाना भी बन गया। तो अच्छी तरह से अब मैं इसको यहाँ पे भून लूँगी। इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, अभी मैं इसमें धनिया भी डाल दूँगी और एंड में बिल्कुल मैं इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देती हूँ। अच्छा हाँ, भूनते हुए मैंने दही भी डाला था, दही से खटास बड़ी अच्छी आती है, तो वो बड़े मज़े का टेस्ट आता है। और एक जो इसमें सबसे मज़े का टेस्ट आता है वो होता है एंड पे, आप काली मिर्चें कुटी हुई डाल दें या पिसी हुई डाल दें, लेकिन आपने डालना एंड पे है, क्योंकि काली मिर्चें अगर आप खाने में पहले डाल लेते हैं तो उससे ये होता है कि कलर चेंज हो जाता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो जब भी आप ऐड करें, या मैं जब भी ऐड करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल एंड में ऐड करूँ, तो उससे ये होता है कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी। और साथ साथ मैं सैलेड बना रही हूँ, क्योंकि सैलेड के बगैर तो मुझे मज़ा ही नहीं आता, तो बस जल्दी जल्दी से मैंने ये भी रेडी कर लिया था। और एंड में बस मैं इसमें धनिया डाल दूँगी, जो फ्रेश धनिया होता है, और इसके साथ थोड़ा सा मैंने डाल दिया था यहाँ पे ज़ीरा पाउडर। तो बस ये रेडी हो गई है। और आप मुझे बताइएगा आपको व्लॉग कैसे लगा है, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। और आज शुक्र है कि उस्मान को भी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।